है गाइज, वेलकम टू माय नीरज मौर्य ब्लॉग। तो गाइज, अभी आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आज अभी तो दोपहर के बज रहे हैं 2, और अभी मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ ढिकुन्नी, तो पहले करके आते हैं, फिर आपको बताते हैं कौन कौन से आज इस ब्लॉग में कुछ डिफरेंट होने वाला है। और मैंने 2-3 दिन पहले एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी जिसमें मैंने माइक परचेस किया था, तो उस पर लोग कमेंट्स कर रहे थे और मैसेज कर रहे थे कि भाई आपने माइक कितने का लिया और इसमें क्या क्या नए नए फीचर हैं। तो सारे फीचर को आज मैं दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में, तो बने रहे कंटिन्यू ब्लॉग में। पहले हम अपना काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और गाइज, हमारे बाल भी बहुत थोड़े बड़े हो चुके हैं, इनको भी कटवाना है, क्योंकि हम कल जा रहे हैं लखनऊ, इम्पोर्टेंट काम है लखनऊ में, तो आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा और आपको इंटरेस्ट भी आएगा उस ब्लॉग में। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मैं लखनऊ क्यों जा रहा हूँ आपको ब्लॉग के एंड में पता चल जाएगा, तो बने रहे कंटिन्यू ब्लॉग में। फिलहाल हम ढिकुन्नी पहुँच चुके हैं और यहाँ हमारा कुछ बैंक में काम है, तो पहले इसको कर लेते हैं। तो भाई गाइस, हमारा बैंक का तो काम हो चुका है और कुलदीप भाई को कुछ पोस्ट ऑफिस में काम था, तो यहाँ पर करवा रहे हैं। जब तक वो आते हैं तब हम या उनका वेट करते हैं और फिर हमें बाल कटवाने हैं, तो बाल कटवा कर डायरेक्ट निकलना है घर इनका भी। तो गाइस, कुलदीप भाई का काम भी हो चुका है और फिर अब निकल रहे हैं, किसी शॉप पर चलते हैं, बाल कटवाते हैं पहले। मैंने 2-4 दिन पहले इंस्टाग्राम पर अपने एक स्टोरी लगाई थी, उसमें मैंने एक माइक परचेस किया था अमेजन से, यही हो माइक जिसका नाम है बोया, बोया बाई M1। तो ये मैंने अमेजन से लगभग 700 रुपये में ख़रीदा है, तो अब इसको हम अनबॉक्स करते हैं। तो भाई, इसको अनबॉक्स हम कुछ इस टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पर ये जिप होती है, इसको खींचना पड़ता है और यहाँ से इस डब्बे को हम ऐसे खोल सकते हैं कुछ इस तरीके से, फाड़ ही देते हैं यार। और यहाँ पर गाइज, हमें गिम्बल में लगाने के लिए कुछ ऐसा मिल जाता है जो फ़ोन को रोकने के लिए, इसके साथ में एक मिलता है। और यहाँ अनबॉक्सिंग करते ही हमें कुछ पेपर्स मिल जाते हैं इस माइक के डिटेल्स के बारे में, हमें इस पर सारा डिटेल दिया जाता है, तो इन डिटेल को हम थोड़ा साइड में रखते हैं। और गाइज, ये थैली जैसी बॉक्स जैसा मिल जाता है जिसमें हमारी माइक होती है। तो गाइज, इस थैली को हम कुछ इस टाइप से खोल सकते हैं और इसमें हमारी निकल आती है बोया बाई 1M1 माइक, जो इस टाइप से कुछ होती है। इसमें बहुत लंबी केबल होती है, माइक की टेस्टिंग मैं आपको दिखाता हूँ। यूज करने के लिए हमें प्ले स्टोर से ओपन कैमरा ऐप की जरूरत पड़ेगी, पहले उस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको हम कुछ अपने जेब में इस टाइप से लगा सकते हैं और इसको यहाँ से लगाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज इसको हम शर्ट के अंदर से लगाएंगे, तो पहले इसको अंदर से लगाते हैं। और अगर इसमें कुछ इस टाइप से हमें पकड़ने के लिए मिल जाता है और इसको हम इस टाइप से इसमें अपने शर्ट में लगा सकते हैं, तो जिससे हम प्रोफेशनल भी दिख सकते हैं और हमारा बैकग्राउंड भी अच्छा दिख सकता है और ये वायर वगैरह नहीं दिखाई देंगे। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करके बताते हैं, मोबाइल को काफ़ी दूर रखकर ब्लॉग शूट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये माइक लगा लिया है और आपको ऑडियो क्वालिटी तो पता ही चल रहा होगा कैसा है, पहले से ज़्यादा कुछ डिफरेंट है। तो कैमरा में हमारी वीडियो कैसी लग रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और मोबाइल को हम पीछे करके भी देख सकते हैं ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो गाइज, हमने मोबाइल को अपने भाई के पास दे दिया और ये इस वायर को खोलकर हम काफ़ी वहाँ तक जा सकते हैं, देखते हैं ऑडियो क्वालिटी कैसी आती है। तो कुछ हम इस टाइप से जा रहे हैं पीछे, वायर को अच्छी तरीके से हमें संभाल कर रखना होगा। मोबाइल से लगभग 8 या 9 फुट हम बैक आ चुके हैं और आपको ऑडियो क्वालिटी तो पता ही, अगर हम नॉर्मल कैमरे में मोबाइल के पास होते हैं तो लगभग हमारी ऑडियो क्वालिटी अच्छी आती है, और हम थोड़ा भी मोबाइल के पीछे चले जाते हैं तो ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती है। और इस माइक को यूज करते ही हमें ऑडियो क्वालिटी मस्त मिल सकती है, जैसा कि हम फ़ोन को एक जगह पर सेट कर सकते हैं और सारी चीज़ों को हम बता सकते हैं, वो हमारी ये चीज़ है और वो चीज़ है। तो ऐसा ही कुछ ब्लॉग शूट होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज, मैंने माइक के बारे में पूरा डिटेल्स दे दिया, अगर आप भी माइक लेना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर इस माइक को परचेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छे प्राइस में मिल जाती है हमें और आने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो
तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। माइक के बारे में हमने पूरा तो डिटेल दे दिया। तो गाइज अब हम बता दें कि हम कल जाने वाले हैं लखनऊ। लखनऊ में गाइज एक मीटअप है, एक ब्लॉगर का ही मीटअप है, उसमें हम जा रहे हैं, हमें इनवाइट भी किया गया है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाले ब्लॉग होने वाले हैं और वो मीटअप गाइज एक पार्क है उसमें होने वाला है, तो उस पार्क को भी हम दिखाएंगे और लखनऊ में खूब सारा इन्जॉय करने वाले हैं। वहाँ शायद मेला लगा है, उसको भी हम देखेंगे। तो अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, तो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।